नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वित्तीय अनियमितता मामले में टीएनबी प्राचार्य पर गिर सकती है गाज। कॉलेज के पूर्व एसओ ने राजभवन में की थी शिकायत। इंटरमीडिएट नामांकन में अधिक राशि लिए जाने के खिलाफ छात्रों का फूटा आक्रोश। महादेव सिंह कॉलेज में जमकर किया हंगामा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिजिटल माध्यम से किया योजनाओं का शुभारंभ। भागलपुर में 156 लोगों को मिला रोजगार। जिले में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। एक साथ मिले 121 नए संक्रमित, आंकड़ा पहुंचा 5000 के पार। और बरारी वाटर वर्क्स में 277 करोड़ की जलापूर्ति योजना का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास। नगर आयुक्त ने कहा समय पर पूरा होगा कार्य। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी पर 2 वर्ष पूर्व कॉलेज के ही पूर्व एसओ अमरेंद्र कुमार झा ने 80,40,000 रुपए की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया था, जिसके बाद मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। 12 जून 2020 को कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंप दिया, जिसके बाद 22 जून को राजभवन ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र जारी कर सचिवालय एवं आवेदक को कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया था। लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने राजभवन के पत्र को दरकिनार करते हुए पूरे मामले पर कुंडली मार ली। इधर 12 जून को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन जांच कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के बारे में कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। वहीं पूर्व एसओ अमरेंद्र कुमार झा ने कहा कि जिस प्राचार्य पर वित्तीय अनियमितता का गंभीर आरोप है, उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट कुलपति या प्रतिकुलपति के लिए राजभवन को भेजना संदेह पैदा करता है। वहीं टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि जांच रिपोर्ट राजभवन कब भेजा गया यह विश्वविद्यालय का मामला है, लेकिन राजभवन ने उन्हें कुलपति पद के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। 22/6/2020 को ये भी निर्देश आ गया कि अमरेंद्र झा के द्वारा जो प्राचार्य टीएनबी कॉलेज के ऊपर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं, उस मामले में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आवेदक अमरेंद्र झा को और राजभवन सचिवालय को अवगत कराई जाए। लेकिन बेहद दुख हुआ, जबकि आज रिपोर्ट जमा किए हुए लगभग 75 दिन बीत गए और राजभवन से निर्देश पत्र आए हुए 2 महीने गुजर गए, 60 दिन गुजर गए और विश्वविद्यालय की चुप्पी समझ से परे है। कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है। ये एसीपी एमसीपी का पेमेंट है और दूसरा आरोप कोई किसी पर लगा सकता है। बिहार का जो सरकार का नियम किसी भी कमेटी को बनाने का होता है, उसको फॉलो नहीं किया गया है। और ये मेरा पक्ष नहीं है, ये विश्वविद्यालय और का पक्ष है। विश्वविद्यालय बेहतर आपको बतलाएंगे। मेरा पक्ष जहां रखना था, चूंकि वहां मैंने रख दिया है। इंटरमीडिएट नामांकन के दौरान स्लाइडिंग की सुविधा में फीस का पेंच फंसता जा रहा है। इसको लेकर शुक्रवार को भागलपुर महादेव सिंह कॉलेज में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे छात्रों ने बताया कि इंटरमीडिएट में नामांकन लेने के बाद स्लाइडिंग कर जब छात्र किसी दूसरे कॉलेज में नामांकन लेते हैं तो वहां मनमाना फीस वसूला जाता है। महादेव सिंह कॉलेज में नामांकन लेने आए छात्रों ने कहा कि कॉलेज प्रशासन स्लाइड अप नामांकन लेने के लिए 1500 रुपए की मांग कर रही है, जो नियम के विरुद्ध है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुणाल कुमार ने बताया कि विभिन्न स्कूल और कॉलेजों के फीस में एकरूपता नहीं रहने के कारण छात्र छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। आज भी जब हर एक कॉलेज में प्रावधान है कि जब स्लाइड अप हो चुका है और 17 रुपया का सिर्फ रसीद कॉलेज प्रशासन को देना है, तो कॉलेज किस परिस्थिति में 1500 रुपया छात्र से मांग रही है। मेरा सीधा सा कहना है, कॉलेज के पास अगर कोई रूपरेखा बना हुआ है, बिहार सरकार अगर ये अलग से चलाते हैं कॉलेज, या बिहार सरकार इनके सरकार नहीं है, तो ये सीधा स्पष्ट रूप से हम लोग को आके कह दे, हम लोग सीधा चल जाएंगे। बाद बाकी जहाँ जो करना होगा हम लोग करेंगे। स्लाइड अप करने के बाद जो बच्चे आए हैं उनका कहना है कि हमने इसके पहले जहाँ एडमिशन दिया है वहाँ पर हमने फीस जमा कर लिया है। आप हमसे क्या कहते हैं कि फीस मत लीजिए। और होता ये है प्रक्रिया में कि जब लड़का हमारे यहाँ आया है एडमिशन लेने के लिए तो फीस हमको चाहिए। आप कहते हैं कि कॉलेज आपको बाद में या स्कूल हमको भेज देगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जिस स्कूल या जिस कॉलेज से तुम टीसी लेके आए हो उनके प्रिंसिपल से चेक लेके आ जाओ। 4.5 वर्ष से निर्माण हो रहे वेडिंग जोन का इंतजार अब खत्म हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को नाथनगर सीटीएस रोड कर्णगढ़ के वार्ड संख्या 8 में वेडिंग जोन का ऑनलाइन उद्घाटन किया।
कार्यक्रम की शुरुआत मेयर सीमा शाह, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, भाजपा नेत्री प्रीति शेखर, वार्ड 8 की पार्षद बीबी अनवरी खातून, पप्पू यादव, पंकज दास सहित कई गणमान्य लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही नारियल फोड़कर एवं फीता काटकर वेडिंग जोन का उद्घाटन किया गया। बता दें कि करीब 76 लाख की राशि से 156 दुकानों का निर्माण किया गया है। वहीं मेयर सीमा शाह ने कहा कि जल्द से जल्द दंगा पीड़ितों को रोजगार के लिए दुकान आवंटित कर दिए जाएंगे। इधर डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने बताया कि विगत 4-5 साल से चल रहा संघर्ष आज पूरा हुआ। अब पूरे शहर में ऐसे ही वेडिंग जोन बनाए जाएंगे ताकि फुटकर विक्रेता अच्छे से कमाकर अपना भरण पोषण कर सकें। मौके पर कई वार्ड के पार्षद सहित काफी संख्या में फुटकर विक्रेता उपस्थित थे। इसमें आज 277 करोड़ का ये योजना था, ये पूरा नली लगाना, पब्लिक के मतलब घर घर में पानी नल जाना, ये सब सारे कार्यक्रम था आज। मुख्यमंत्री को पहले धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोग शहर में इस स्थिति में पहुँच चुके हैं कि मतलब जनता के हित के लिए पूरा प्रयास किया जाए। जिले में कोरोना संक्रमण का रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य महकमा एवं राज्य सरकार द्वारा लाख हाथ पैर मारने के बाद भी कोरोना पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। शुक्रवार को आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार जिले में 121 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं पड़ोसी जिला बांका से 32, पूर्णिया से 87, मुंगेर से 20 एवं राजधानी पटना से 296 संक्रमित पाए गए हैं। इधर राज्य में शुक्रवार को मिलने वाले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1998 बताई जा रही है। बता दें कि तेजी से लगातार चल रहा कोरोना संक्रमितों का ग्राफ सरकार के साथ साथ राज्य की जनता के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। ऐसे में सरकारी गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन कर ही कोरोना को मात दिया जा सकता है। भागलपुर बरारी वाटर वर्क्स परिसर में हर घर नल का जल योजना के तहत शुक्रवार को 277 करोड़ 69 लाख की जलापूर्ति परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। शिलान्यास को लेकर भागलपुर नगर निगम की महापौर सीमा शाह, नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी, उप महापौर राजेश वर्मा एवं उप नगर आयुक्त एसके वर्मा की देखरेख में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जलापूर्ति योजना के पूरा होने से नगर निगम के सभी 51 वार्ड की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा और दूर दराज से पानी ढोकर लाने की समस्या से भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। वहीं नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने कहा कि तय समय सीमा में कार्य पूरा हो इसके लिए तेजी से कार्य किया जाएगा। देखिए आज जो है कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन है, उसमें जो मुख्य योजना है वो पेयजल आपूर्ति है, जिसको लेकर आज 277 करोड़ 59 लाख की योजना पूरे शहर को वाटर सर्विस से हर घर जल का नल देने की जो योजना है उसका शिलान्यास किया गया और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ भागलपुर के अपने तमाम उन युवा साथियों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस मुहिम के लिए लगातार प्रयास किया, आंदोलन किया और आज जाकर वह मुहिम धरातल पर उतरने का काम कर रही है। आपने बच्चों के जन्मदिन पर केक काटते और समारोह मनाते तो बहुत लोगों को देखा होगा, लेकिन समय के साथ अब लोगों की सोच और जन्मदिन मनाने का तरीका भी बदलता जा रहा है। शुक्रवार को बूढ़ानाथ निवासी एवं दैनिक समाचार पत्र के छायाकार आशुतोष कुमार एवं उनकी पत्नी मेघा पांडे ने अपने बेटे तेजस्वी आनंद की दूसरी जन्मदिन पर जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। इससे पूर्व यह दंपत्ति नाथनगर स्थित भूतनाथ मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर बच्चे की कुशल जीवन के लिए कामना किया और मंदिर परिसर में वृक्ष भी लगाए। इस दौरान मेघा पांडे ने कहा कि केक काटकर पार्टी मनाने से बेहतर है कि मंदिर में पूजा कर बच्चे की बेहतरी की कामना की जाए और जरूरतमंद लोगों की सेवा की जाए। मेरा बेटा है जिसका कि आज 2 साल पूरा हुआ, जिसका जन्मदिन है, जन्मदिन के मौके पर जो है बाबा भूतनाथ पूरे वाले सबसे पहले पूजा से पूजा के बाद वृक्षारोपण के बाद यहाँ पर जितने भी 8 घर होते थे उनके बीच में राशन का वितरण किया गया। फिर सामने भोग लगाया बाबा के दरबार में, फिर यहीं पर तेजस्वी का केक कटा गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मतदाता की कोई भी बात 1950 1950, चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950, चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद राखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग,
ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। भागलपुर के मोजाहिदपुर स्थित विभा भवन में शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में रालोसपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद एवं राष्ट्रीय युवा महासचिव दिवाकर कुशवाहा ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिए। रालोसपा नेता मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने कहा कि चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। संगठन को मजबूती देने और चुनाव में सफलता पाने के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मेहनत करनी होगी। वहीं दिवाकर कुशवाहा ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है और भागलपुर समेत बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की तैयारी जोरों पर है। मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष नसीम अहमद, मोहम्मद गुफरान, सज्जाद सुल्तान समेत कई रालोसपा कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यकर्ता को जो प्रशिक्षण देना था, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, उसी मकसद से हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब आए थे और हम लोगों को, कार्यकर्ता को, सभी पदाधिकारियों को एक निर्देश दिए हैं। हम लोग उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों में लग जाएंगे और भी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का निर्देश आएंगे उनके अनुरूप हम लोगों ने भी तैयारी। आगामी विधानसभा चुनाव 2020 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 243 सीटों पर मजबूती से तैयारी कर रही है। जहां हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, वहां हमारे साथी तन मन धन से अपने उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे और जहां से हमारे पार्टी के उम्मीदवार नहीं होंगे, वहां महागठबंधन के उम्मीदवार को उतनी ही मजबूती के साथ
चुनाव जिताने। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय मजदूर संघ की ओर से 28 अगस्त को भारतीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको लेकर शुक्रवार को भागलपुर के उपश्रम आयुक्त कार्यालय परिसर में भारतीय मजदूर संघ द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वृक्षारोपण का महत्व बताते हुए संघ के कार्यकर्ताओं ने उपश्रम आयुक्त गोविंद, शिक्षाविद डॉक्टर महादेव शाह, सहायक श्रम आयुक्त मोहम्मद आफ्ताब आलम, श्रम अधीक्षक विनोद प्रसाद एवं BMS के प्रदेश मंत्री राजेश कुमार लाल की मौजूदगी में फल फूल और औषधीय वृक्षों के साथ कई प्रकार के पौधे लगाए। मौके पर भाजपा नेता अभय वर्मन, BMS के जिला महामंत्री चित्तरंजन पांडे समेत भारतीय मजदूर संघ के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण योजना के तहत तिलकामांझी लालबाग कॉलोनी में लगभग 21 लाख रुपए की लागत से बन रहे नाला एवं 12 लाख रुपए की लागत से बन रहे PCC सड़क का शिलान्यास वार्ड 32 के पार्षद हंसल सिंह ने नारियल फोड़कर किया। पार्षद ने कहा कि पक्की नाला और सड़क निर्माण का कार्य 1 माह में पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद लोगों को जल जमाव की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं डॉक्टर कुमार अनु ने बताया कि श्री मोहन पथ लालबाग की जनता जल निकासी नहीं होने के कारण जल जनित रोगों से जूझ रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि नाला निर्माण नहीं होने के कारण बरसात के मौसम में राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। साथ ही पार्षद प्रसन्नजीत कुमार सिंह ने कहा कि सड़क और नाला निर्माण का कार्य सोमवार से शुरू हो जाएगा। एक नाला ढक्कन समेत 20 लाख लगभग 21 लाख के राशि का शिलान्यास किया और दूसरा ये डॉक्टर कुमार अनु साहब के घर के पास से हटिया तक रोड तक ये रोड का भी हमने शिलान्यास का काम किया। इससे आम जनता को जो पानी की वाटर लॉगिंग मतलब जो जल जमाव की समस्या है या उस जल जमाव से जो उत्पन्न होने वाली बीमारी है जैसे मलेरिया है या डेंगू है, इन सारी चीजों का बड़ा ही अच्छा समाधान है। भागलपुर चंपानगर नरगा चौक के समीप शुक्रवार को मेडिकल टीम द्वारा 86 लोगों की कोरोना जांच की गई। सदर अस्पताल के प्रबंधक मोहम्मद जावेद मंजूर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय मेडिकल टीम ने इच्छुक एवं संदिग्ध लोगों की कोरोना जांच एंटीजन किट से की। अस्पताल मैनेजर जावेद मंजूर ने बताया कि शुक्रवार को लिए गए सभी सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन के आदेश पर प्रत्येक दिन जिले के किसी न किसी क्षेत्र में एम्बुलेंस के साथ कोरोना रैपिड टेस्टिंग के लिए मेडिकल टीम जाती है, जिससे अधिक से अधिक लोगों की कोरोना जांच हो सके। इस मौके पर सुधांशु कुमार, ऋतु राजकुमार, तहसीन प्रमोद समेत मेडिकल टीम के कई सदस्य मौजूद थे। भागलपुर के सुल्तानगंज में 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बैठक में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन एवं राधा मोहन शर्मा ने आगामी विधानसभा चुनाव में NDA की जीत का दावा किया। वहीं पूर्व विधायक राजीव रंजन ने कहा कि बैठक में सप्तऋषि बूथ, शक्ति केंद्र और मंडल कमेटी के गठन के साथ चुनाव के तैयारियों की समीक्षा की गई, जिससे पूरी ताकत के साथ भाजपा और NDA अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। साथ ही कहा कि NDA और भाजपा बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए मजबूती से तैयार है। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, अभय वर्मन, मुकेश सिंह, देवव्रत घोष, श्वेता सिंह समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। 25 अगस्त से 29 अगस्त जो वर्चुअल बैठक हमने किया था उसको हमने जमीन पर फिजिकल बैठक आज मैंने पूरा किया है और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के बिहार के 2 वरिष्ठ नेताओं का टीम हर विधानसभा में जा रही है और राजनीतिक समीक्षा से साथ साथ संगठनात्मक काम को हम पूरा करने कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत करहरिया पंचायत के वार्ड संख्या 2 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुखिया चंदा देवी ने कहा कि पंचायत में जो योजना अधूरी है उसे जल्द से जल्द पूरा करा दिया जाएगा। वहीं वार्ड सदस्य रेखा देवी ने बताया कि इस योजना के धरातल पर आने से वार्ड की जनता को पेयजल की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। मौके पर मुखियापति संजीव कुमार, राजीव कुमार सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। सरकार द्वारा जो भी सीमित संसाधन ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया गया उस सीमित संसाधनों में यथासंभव जहां तक हुआ माननीय मुखिया द्वारा प्रत्येक वार्ड में फंड ट्रांसफर करके योजना को मूर्त रूप दिया गया है। अभी भी योजना भौतिक रूप से कई जगह अधूरी योजनाएं हैं जिसे कि पूरा किया जाना है। नवगछिया के गोपालपुर गोसाई गांव में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना का ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री के भाषण को वीडियो के माध्यम से सुना। इस दौरान गोसाई गांव पंचायत के मुखिया धनंजय कुमार ने 7 निश्चय योजना से मिलने वाले लाभ एवं जल संरक्षण के बारे में ग्रामीणों को बताया। मौके पर गोपालपुर वीडियो प्रियंका, BPRO सुजीत कुमार समेत मुखिया, जनप्रतिनिधि एवं कई ग्रामीण मौजूद थे।
और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वित्तीय अनियमितता मामले में टीएनबी प्राचार्य पर गिर सकती है गाज, कॉलेज के पूर्व एसओ ने राजभवन में की थी शिकायत। इंटरमीडिएट नामांकन में अधिक राशि लिए जाने के खिलाफ छात्रों का फूटा आक्रोश, महादेव सिंह कॉलेज में जमकर किया हंगामा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिजिटल माध्यम से किया योजनाओं का शुभारंभ, भागलपुर में 156 लोगों को मिला रोजगार। जिले में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, एक साथ मिले 121 नए संक्रमित, आंकड़ा पहुंचा 5000 के पार। और बरारी वाटर वर्क्स में 277 करोड़ की जलापूर्ति योजना का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास, नगर आयुक्त ने कहा समय पर पूरा होगा कार्य। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।